आप देख रहे हैं ये हमारा सिंगोनियम का प्लांट है और इसे हमने कटिंग से ग्रो किया है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने इतने छोटे से पॉट में कटिंग्स लगाई थी और ये पॉट जो है अभी छोटा पड़ गया है क्योंकि प्लांट जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हमें इसको आज रिपॉट करना पड़ेगा। रिपॉट करने के लिए हमने लिया है ये हमारे पास गमला है, ये बड़ा गमला है, पर्याप्त है हमारे इस प्लांट के लिए। तो इसको हमने खाली कर लिया है क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा पॉट नहीं है। तो इसको हमने इसमें जो प्लांट लगा हुआ था उसको हमने निकाल दिया है क्योंकि उस प्लांट को हम और इससे भी बड़े गमले में लगाएंगे। तो ये जो ड्रेनेज हो रही है आप देख रहे हैं और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे इस दिए से, इससे मिट्टी बाहर ना निकले और जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकलता है। तो इसमें अब हम डाल देंगे थोड़ी सी मिट्टी। दो मुट्ठी ही मिट्टी डालेंगे और इसके बाद डाल देंगे हम हमारे पास ये जो गोबर के कंडे थे उसकी, गोबर के जो कंडे थे उनको हमने क्रश कर लिया है। तो इनको हम डाल देंगे जब हम किसी भी प्लांट को लगाते हैं, तो जब हम किसी प्लांट को लगाते हैं तो उसमें हम गोबर की खाद ही डालते हैं। अगर खाद नहीं है तो इस तरह से कंडे को क्रश करके डाल देते हैं और बाकी टाइम में हम अपने प्लांट को हर 8 दिन में एक बार किचन वेस्ट जो होता है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहते हैं और हम अपने प्लांट को ज़्यादा कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं। तो अपने प्लांट को हम इस गमले से निकाल कर फिर आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं प्लांट को हमने पॉट से निकाल लिया है और ये कितना ज़्यादा रूट बाउंड हो गया है। तो इसकी जो एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको हम काट कर हटा देंगे खुरपी की मदद से और फिर अपने प्लांट को अपने गमले में लगाएंगे। सिंगोनियम का जो प्लांट होता है इसको लगाने के लिए, बेल्ड्रेंट सॉइल जो होती है यानी कि जो रेत की मात्रा होती है वो मिट्टी में ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी लेनी चाहिए जिससे पानी जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाए और पानी जो है गमले में ठहरना नहीं चाहिए, इस तरह की हमें मिट्टी लेनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो भी एक्स्ट्रा रूट थी उनको सभी को हमने काट कर हटा दिया है। और ये जो सिंगोनियम का प्लांट होता है इसकी कटिंग्स भी लग जाती हैं इस तरह से, आप देख सकते हैं इसमें जो एरियल रूट्स होते हैं यहाँ से आप कटिंग लगा सकते हैं। जैसे मनी प्लांट की हम लोग कटिंग लगाते हैं वैसे ये पानी में भी ग्रो हो जाती है और मिट्टी में भी बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाती है। तो इसको जहाँ पर ये एरियल रूट्स हैं वहाँ से आप कटिंग्स ले सकते हैं, कटिंग्स भी इसकी लगा सकते हैं। इसको हम लगा कर दिखाते हैं अभी आपको। और ये आप देख रहे हैं प्लांट जो है इसको सपोर्ट की ज़रूरत है तो इसमें हम एक मॉस स्टिक लगा देंगे। इसके साथ में ही लगा देंगे ये स्टिक जो हमारे पास है, इसको भी इसी के साथ में लगा देंगे। तो इसी के सहारे ये हमारा प्लांट जो है ये बना रहेगा। तो इसको अभी हम लगा कर आपको दिखाते हैं। अपने सिंगोनियम के प्लांट को हमने रिपॉट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो जितने भी प्लांट थे सभी प्लांटों को एक साथ हमने इस पॉट में लगा दिया है और इसको हमने स्टिक का सहारा दिया है, ये आप देख सकते हैं। रस्सी को चढ़ाकर इसको आकार दे सकते हैं, तो जैसे आप चाहें वैसा इसको शेप दे सकते हैं। तो हमने इसको स्टिक के सहारे इस तरह से बांध दिया है, आप देख सकते हैं। और इसी प्लांट से निकाल कर हमने 2 महीनों पहले हमने एक ये प्लांट लगाया था, ये बहुत ही छोटा प्लांट था जब उसको हमने लगाया था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कितने एरियल रूट्स हो गए हैं। तो इसको भी हम चाहें तो कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं और इसे चाहें तो इसको कटिंग से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। जितने इसके ये नोड एरिया जो होते हैं यहाँ से हम कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। सिंगोनियम का जो प्लांट होता है ये इंडोर प्लांट होता है, इसको कभी भी फुल सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, नहीं तो इतना हेल्दी आपका प्लांट जो है वो नहीं रहेगा। तो इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो या एक सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट आती हो, ऐसी जगह पर रखेंगे तो आपका जो प्लांट है ये बहुत ही हेल्दी रहेगा और बहुत ही ग्रीन रहेगा, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये प्लांट जो है, ये प्लांट है ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें।
सिंगोनियम का जो प्लांट होता है इसे पानी भी तभी दें, एक बार पानी देने के बाद दोबारा पानी तभी दें, इसकी मिट्टी को चेक कर लें, अगर मिट्टी अच्छे से सूख चुकी है उसके बाद ही दोबारा पानी दें तो आपका जो सिंगोनियम का प्लांट है ये कभी भी गलेगा नहीं और हमेशा ऐसे ही हेल्दी रहेगा और बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी बहुत ही कम दें, जब मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही पानी दें। पॉट की मिट्टी की महीने में 2 से 3 बार गुड़ाई भी करते रहें, गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है। जब हम गुड़ाई करते हैं तो हमारे प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है जिससे हमारा प्लांट जो है वो बहुत ही हेल्दी रहता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं इसी तरह के यूज़फुल वीडियो के साथ, तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।